नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, भगवान श्री राम के जन्म और रावण के मरण की कथाओं से तो आप सभी परिचित होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भगवान श्री राम के बाद उनकी नगरी अयोध्या का क्या हुआ? और सबसे जरूरी है कि भगवान श्री राम के पुत्र लव और कुश का क्या हुआ? क्या दोस्तों उनका वंश आगे बढ़ा, और अगर बढ़ा तो श्री राम वंश का आखिरी राजा कौन है? दोस्तों, ये सभी वो सवाल हैं जिनके जवाब एक सनातनी हिंदू होने के नाते आपको जरूर पता होने चाहिए। दोस्तों, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत लंका नरेश रावण से होती है, जब वो धोखे से माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले जाता है। तब दोस्तों, प्रभु श्री राम अपनी वानर सेना के साथ लंका पहुंचकर रावण का वध करते हैं और माता सीता को लेकर अयोध्या लौटते हैं। उस वक्त माता सीता की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वर्षों के बाद उन्हें अपने प्रभु श्री राम के दर्शन हुए थे। लेकिन माता सीता को क्या पता था कि उनकी खुशी में ग्रहण लगने वाला है, और एक धोबी द्वारा माता सीता पर आरोप लगने पर प्रभु श्री राम माता सीता का त्याग कर देते हैं। इसके बाद माता सीता वन में भटकते हुए श्री वाल्मीकि आश्रम में पहुंचती हैं और वहीं पर लव और कुश को जन्म देती हैं। कहा जाता है कि वाल्मीकि जिस आश्रम में माता सीता ने अपने दोनों पुत्रों को जन्म दिया था, दोस्तों वो आश्रम उस समय ब्रह्मतुंग नाम से जाना जाता था। बाद में दोस्तों इस नागेश्वर महादेव के नाम से पहचान मिली। वहीं वाल्मीकि आश्रम के नाम से प्रसिद्ध इस स्थान को आज के समय में बल्यायनी कहा जाता है। हर साल आखा तीज यानी कि दोस्तों अक्षय तृतीया के अवसर पर यहाँ पर लव और कुश का जन्म दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, लव कुश बड़े हुए तब वो अपने गुरु वाल्मीकि के आदेश पर अयोध्या जाकर सभी को रामायण की कथा सुनाने लगते हैं, और अंत में एक दिन राज दरबार में पहुंचकर राम कथा सुनाते हुए स्वयं को प्रभु श्री राम तथा माता सीता का पुत्र बताते हैं। लेकिन दोस्तों, अयोध्या की प्रजा इस बात को मानने से इनकार कर देती है और उन पर सवाल उठाती है। तब प्रभु श्री राम लोकमत को ध्यान में रखकर माता सीता को राज दरबार में बुलाते हैं और सबके सामने माता सीता से उनकी शुद्धता का प्रमाण मांगते हैं। इस बात से माता सीता का मन कुंठित हो जाता है और वो सभी के सामने शपथ लेते हुए कहती हैं कि यदि उन्होंने मन, वचन तथा कर्म से केवल भगवान श्री राम की आराधना की है तथा उन्हें अपना पति माना है, तो इसी समय ये धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। कहा जाता है कि माता सीता के इतना कहते ही एक जोरदार गर्जना हुई और धरती फटकर दो हिस्सों में बट गई, और उसमें धरती माँ अवतरित हुई तथा माता सीता को अपने साथ लेकर चली गई। दोस्तों, माता सीता के जाने के बाद प्रभु श्री राम काफी दुखी हो जाते हैं और कुछ समय के बाद ही राजपाट छोड़ देते हैं, जिसके बाद लवकुश अयोध्या का शासन संभालते हैं और वो नाग कन्या कुमुदावती से विवाह करते हैं। कुछ दोस्तों राम जितने पराक्रमी राजा नहीं थे, और असुर दुर्जा से युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर दोस्तों कुश की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अतिथि राजा बने। अतिथि अपने पूर्वजों की तरह एक महान राजा थे। अतिथि की मृत्यु के बाद उनका बेटा निषाद राजा बना। निषाद भी अपने पिता की तरह ही एक महान राजा और योद्धा साबित हुए। निषाद के बाद उसका बेटा नल राजा बना, और नल के बाद नभ राजा बना। इस तरह से ये वंश बढ़ते बढ़ते महाभारत काल के राजा बृद्वल तक आ पहुंचा। दोस्तों, बृद्वल कुश की 50वीं पीढ़ी थे। ये भगवान श्री राम के बावंश थे, जिन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों का साथ ना देकर कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था, और चक्रव्यूह युद्ध हो रहा था तब अभिमन्यु के तीर से बृद्वल मारे जाते हैं। दोस्तों, राम के वंशजों की कहानी को हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले आपको बता दें कि भगवान राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था, जिसकी स्थापना भगवान सूर्य के पुत्र राजा इक्ष्वाकु ने की थी। इसी कारण भगवान राम को सूर्यवंशी भी कहा जाता है और उनके वंश को सूर्यवंशी वंश कहा जाता है। दोस्तों, इतिहास में श्री राम के अलावा उनके भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के भी दो दो पुत्रों का वर्णन मिलता है, जिसके मुताबिक भरत के दो पुत्र तक्ष और पुष्कर थे, लक्ष्मण के दो पुत्र चित्रांगद और चंद्रकेतु, और दोस्तों शत्रुघ्न के दो पुत्र सुबाहु और शूरसेन थे। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि मथुरा का नाम पहले शूरसेन ही था। जब राम ने वानप्रस्थ लेने का निश्चय किया तो उन्होंने भरत का राज्याभिषेक करना चाहा, लेकिन भरत नहीं माने।
तब श्री राम ने दक्षिण कौशल प्रदेश यानी कि छत्तीसगढ़ द्वारका और अयोध्या का राजा कुश और उत्तर कौशल प्रदेश यानी कि पंजाब का राजा लव को घोषित किया, जिसके बाद लव ने लाहौर और कुश ने कुशावती को यानी आज के बिलासपुर जिले को अपनी राजधानी बनाया। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान का लाहौर शहर है। यहाँ के किले में आज भी लव का मंदिर बना हुआ है। लवपुरी को बाद में लोहपुरी कहा जाने लगा। दोस्तों, दक्षिण पूर्व एशिया देश लाओस और थाई नगर का जन्म भी लव के नाम पर ही रखा गया। आज के तक्षशिला में उस समय भरत पुत्र तक्ष और पेशावर में पुष्कर का शासन था, हिमाचल के अंगपुर में लक्ष्मण के पुत्र अंगद का और दोस्तों चंद्रावती में चंद्रकेतु का शासन था, मथुरा में शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु का। ऐसा कहा जाता है कि राजा लव से राघव राजपुत्रों का जन्म हुआ। इसी की दूसरी शाखा सिसोदिया राजपूत वंश थी, जिनसे बिछैला और गहलोत वंश के राजा हुए हैं। वहीं दोस्तों कुश से कुशवाहा यानी कि कछवा राजपूतों का वंश बढ़ा। कुश ने पूर्व की तरफ भी अपना राज्य फैलाया था। थाईलैंड के राजा भी इसी राजवंश के वंशज माने जाते हैं। इसी वजह से आज भी थाईलैंड के राजा को राम की उपाधि दी जाती है। दोस्तों, वर्तमान में सिसोदिया, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, बिछैला और गहलोत आदि की जो राजपूत वंश है, वो सभी प्रभु श्री राम के वंशज हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री राम के दोनों पुत्रों में उसका कुश का वंश ही आगे बढ़ा था, इसलिए इतिहास में कुश के वंश के बारे में ही अधिक जानकारी मिलती है। दोस्तों, अगर प्रभु श्री राम के आखिरी वंश की बात करें तो जयपुर का राजघराना श्री राम के वंशज माने जाते हैं। जयपुर राजघराने की महारानी पद्मनी और उनके परिवार के लोग राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। महारानी पद्मनी ने एक अंग्रेजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 307वें वंशज थे। तो दोस्तों, इस घराने के इतिहास की बात करें तो 21 अगस्त 1921 को जन्मे महाराजा मानसिंह ने 3 शादियां की थी। दोस्तों, मान सिंह की पहली पत्नी मारुधर कन्वर और उधर दूसरी पत्नी किशोर कन्वर और तीसरी पत्नी महारानी गायत्री देवी थी। मान सिंह और उनकी पहली पत्नी से जन्मे पुत्र का नाम भवानी सिंह था। उनका विवाह राजकुमारी पद्मनी से हुआ था। दोनों का कोई बेटा नहीं है, एक बेटी है जिसका नाम दिया है। दोस्तों, इनका विवाह नरेंद्र सिंह के साथ हुआ है। दिया भी राजनीति में है। उनके 2 बेटे हैं जिनके नाम पद्मनाभ सिंह और लक्ष्यराज सिंह है। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जब अदालत में सुनवाई चल रही थी, उस समय जयपुर राजघराने के पूर्व महाराजा भवानी सिंह की बेटी दिया कुमारी ने सार्वजनिक तौर पर कुछ सबूत पेश किए थे, जिससे पता चलता है कि ये राज परिवार भगवान राम के बड़े बेटे कुश की वंशावली में ही आता है। ये कुशवाहा वंश के वंशज हैं। दरअसल दोस्तों, दिया कुमारी ने कोर्ट में एक पत्रावली दिखाई थी, जिसमें भगवान श्री राम के पूर्वजों का नाम दर्ज है। इसी में 289वें वंश के रूप में सवाई जयसिंह और 307वें वंश के रूप में महाराजा भवानी सिंह का नाम लिखा है। हालांकि केवल भवानी सिंह ही नहीं, बल्कि ऐसे कई राजा और महाराजा हैं जिनके पूर्वज श्री राम थे। दोस्तों, राजस्थान में कुछ मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखते हैं। मुगल काल में सभी को धर्म परिवर्तन करना पड़ा था, लेकिन ये सभी आज भी खुद को प्रभु श्री राम के वंशज मानते हैं। इसी तरह राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि जगहों पर भी कई ऐसे मुस्लिम गांव या समूह हैं जो राम के वंश से संबंध रखते हैं। तो दोस्तों, आप हमें बताइए, क्या आपको लगता है कि सच में प्रभु श्री राम के वंशज आज भी जीवित हैं, या फिर ये सारे दावे सिर्फ झूठ हैं? आप अपना जवाब कमेंट्स में आके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, मुलाकात होगी और एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।